मी आरोहा द राइडर। लास्ट वीडियो में सासवाड रास्ते से राइड करके हम मल्हारगढ़ फोर्ट के ऊपर जाने वाले थे और रास्ते में हमने यमहा RX 100 की राली देखी थी। तो उस राली के बाद हम अभी चलते हैं मल्हारगढ़ फोर्ट में। इससे पहले लोनी कारबोर रास्ते से राइड करके हम मल्हारगढ़ फोर्ट गए थे और वहां से ट्रैक करके ऊपर गए थे। और ये सासवाड में है, दिवे घाट में। जय जय विठल, जय हरि विठल। और इससे अभी हम जा रहे हैं सासवाड दिवे घाट रूट से जाके मल्हारगढ़ किले में जा रहे हैं, राइड करके जा रहे हैं। और वहां से हम सीधा ऊपर ही पहुंच पाएंगे, मतलब इसका मेन एंट्रेंस तक गाड़ी जा सकती है। तो इस बार हमने क्या किया कि थोड़ा आगे जाके रुके और वहां से एक छोटा सा ट्रैक करके गए। तो ये रास्ता है, अभी हमने सासवाड सोलापुर रोड से हमने लेफ्ट लिया है किले की रोड में। आज के इस सफ़र में मेरे साथ सिर्फ राम है, तो हम सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं क्योंकि इंडिपेंडेंस डे था। सब छुट्टी मनाने के लिए अपने अपने घर गए हैं और हम यहाँ पुणे में हैं, तो हमें भी कहीं जाना था। तो हमने सोचा कि मल्हारगढ़ फोर्ट चलते हैं। मानसून का टाइम है तो बीच में बारिश भी हो रही थी और मौसम बहुत अच्छा था और जहाँ भी देखूँ सारे जगह ग्रीनरी ग्रीनरी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और हम चल रहे थे मल्हारगढ़ फोर्ट की ओर और रास्ता थोड़ी कच्ची थी, अच्छे सड़कें नहीं थे, मतलब कुछ टाइम के लिए। बाद में हमें अच्छा वाला एक रोड मिल गया था। छोटा सा डैम। और आप अभी बाइक का नॉइज़ सुन सकते हैं, बहुत अजीब सा आवाज़ कर रहा था। लास्ट टाइम हमने सर्विस के लिए दिया था और उन लोगों ने सिर्फ वॉश करके हमें रिटर्न दे दिया और 2 वीक्स के बाद हमें कॉल करके बता रहे सर्विस के लिए लेके आओ। लास्ट टाइम हमने सर्विस नहीं किया था तो हमने क्यों गाड़ी दी थी उनको सर्विस करने के लिए? वो भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ से 25 किलोमीटर दूर में है हमारा सर्विस सेंटर। गलती की थी हमने फर्स्ट वहाँ जाके, 1 ईयर के लिए हमने पूरा पेमेंट किया था। अभी फिर से कहीं अच्छा जगह जाके हमें सर्विस के लिए देना है। और अभी नेक्स्ट माय टर्न है और यहाँ से मैं राइड करने वाली हूँ और राम वीडियो लेने वाला है। ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिप के लिए जाके मैं फिर से अपना राइडिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है अगर ट्रैफिक में चलाती हूँ तो, बीच बीच में गाड़ी रोकनी है तो वो अगर पिलियन में कोई बैठा है तो, पिलियन है तो मुझे वेट पूरा मेरा राइट लेग पे आता है तो थोड़ा पेन होता है। लेकिन अभी रास्ते में कोई नहीं है तो बीच बीच में ब्रेक भी नहीं मारनी है, तो सोचा कि चलो फिर से राइडिंग प्रैक्टिस करते हैं। बाइक सच में अजीब सी आवाज़ कर रही थी क्योंकि लास्ट टाइम टायर पंचर हो गया था तो पूरा टायर निकालना पड़ा, निकाल के वापस डाला तो कुछ ना कुछ तो इश्यू वहाँ हो गया है, इसलिए हमने सर्विस के लिए दिया था। व्हील अलाइनमेंट भी प्रॉपर नहीं है और वॉबलिंग भी फील होती है, तो देना है फिर से कोई अच्छी जगह सर्विस के लिए। यूजली मैं क्या करती थी कि अब तक मेरे सारे वीडियोस में जब राइड करते वक्त पीछे में कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक प्ले करती थी, लेकिन मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कहा कि बैकग्राउंड म्यूज़िक एक्स्ट्रा ऐड मत करना, जो भी राइडिंग की आवाज़ है वही रहने दो। तो थोड़ी सी हवा आ रही है क्योंकि मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि
एक ऑडियो रिकॉर्डर लूँ, तो मैंने ब्लूटूथ वाला देखा भी था, मैंने ख़रीदा भी है, उसके बारे में मैं एक वीडियो भी डालती हूँ, लेकिन मैंने रिटर्न किया क्योंकि ख़रीद के ओपन करके ट्राई किया तो वो मेरे एंड्रॉयड फ़ोन के साथ वर्क नहीं कर रहा था। बाद में पूरा चेक किया तो पता चला कि वो आईफोन के लिए था, तो हमें वो रिटर्न करना पड़ा, तो नया ऑर्डर करना है। तो उसके बाद शायद नेक्स्ट राइड से ये हवा की वो ये डिस्टर्बेंस है ना, वो नहीं आएगा। और रास्ते में मैंने ये एक अच्छी चीज़ देखी है कि रास्ते के दोनों साइड में, रोड के दोनों साइड में भारत फौज ने ट्रीज़ प्लांट किए हैं और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको नेट भी लगाया है। पुणे में मानसून ट्रैकिंग बहुत फेमस है और पुणे में इतने सारे ट्रैकिंग प्लेसेस हैं, तो सारा कवर करना मतलब मुझे एक दो तीन साल लग जाएगा, मतलब इतना सारा ट्रैकिंग प्लेसेस है। और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि हर एक बार एक नई जगह जाऊँ, ट्रैक करूँ, तो टाइम भी देखना, मतलब कभी कभी मैं गांव जाती हूँ तो वीकेंड में ही हम ट्रैक के लिए जा सकते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक ट्रैक कवर करूँ। मैंने बताया था ना, आप दोनों साइड में देख सकते हैं कि भारत फौज ने ट्रीज प्लांट किए हैं इस रोड में, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि मानसून का टाइम है, ट्रैकिंग का भी सीज़न है, तो चल पड़ो यार, निकलो यार घर से और चलो कोई ट्रैक के लिए, क्योंकि वो हम ट्रैक के लिए जाते हैं ना, हमें बहुत बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि माइंड को और बॉडी को सब एक रिफ्रेशमेंट फील होता है। अपने बिजी लाइफ से कुछ टाइम नेचर की ब्यूटी देखने के लिए निकाल कर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए और नेचर के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा साबित हो जाएगा, क्योंकि आप इस नेचर की ब्यूटी ऐसा देखोगे, हर जगह हरियाली देखोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा मतलब आपका कैरेक्टर में वो एक चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकोगे, क्योंकि हम यहाँ वाटर बॉटल लेके आए थे और हम पीने के बाद बॉटल वापस लेके जाते हैं अपने साथ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इतना वाला खूबसूरत वाला ये जगह हम ख़राब ना करें। तो आप भी ऐसा आ जाओ ना, अच्छा है ट्रैकिंग करना। और मल्हारगढ़ फोर्ट एक ट्रैकिंग के लिए, बिगनर्स के लिए मतलब बहुत ईजी वाला है, तो कोई भी कर सकता है। और हम ऐसा ये हिस्टोरिकल प्लेसेस में आते हैं ना, तो थोड़ा बहुत हम अपने पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या हुआ था हमारा हिस्ट्री में, तो वो सारे हीरोज़ को भी हम याद करेंगे, जो अभी जो हमें जो इंडिपेंडेंस मिला है, तो उसका वैल्यू समझने के लिए थोड़ा पीछे जाके उनका स्ट्रगल हमें देखना चाहिए। तो ये सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वो हमें बताता है कि हमने कैसे स्ट्रगल करके फ्रीडम लिया था। आगे सड़क थोड़ी कच्ची लगी, रोड बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने बाइक राम को दिया, क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहती अपने लेग के साथ। कुछ टाइम और कुछ टाइम लूँगी पूरा ठीक होने के लिए, बाद में सोलो राइड करूँगी, नहीं तो राम को बिठा के राइड के लिए जाऊँगी, ऐसा सारा कच्ची रास्ते से भी राइड करके जाऊँगी, ऑफ रोडिंग करूँगी, लेकिन अभी के लिए नहीं। तो मैं उतर के वॉक कर रही हूँ और राम गाड़ी जाके पार करेगा। कुछ नहीं यार, डरती हूँ, क्योंकि एक बार एक्सीडेंट हुआ था और मेरा एक साल गया था, और फिर से मैं कुछ रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ। डरती हूँ, सच में डरती हूँ, क्योंकि वो सारे पेन, वो सारे एक मतलब एक साल ऐसे ही गया था, तो वो मैं लाइफ में फिर से रिपीट नहीं करना चाहती, तो थोड़ा और टाइम लगेगा मुझे कम्प्लीटली ये क्योर होने के लिए मेरा, तो मेरा सारा मसल्स बिल्ड होने के लिए। तब तक के लिए ऐसा ऑफ रोडिंग नहीं करूँगी, जहाँ अच्छा वाला हाईवे पे चलाऊँगी, अच्छा वाला रोड है वहाँ पे चलाऊँगी, ट्रैफिक में बिल्कुल भी नहीं चलाऊँगी, वो भी पुणे के ट्रैफिक में बिल्कुल भी नहीं चलाऊँगी। आपने सुना, लेकिन मैंने सुना, कांदा भज्जी, बटाटा वड़ा, वड़ा पाव, तो ये तो मुझे पुकार रहा था। तो आगे हमें मल्हारगढ़ फोर्ट दिखेगा और राइट लेके हम ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से, ये शॉर्टकट है, यहाँ से थोड़ा सा हिल क्लाइंब करके हमें ऊपर जाना है, तो वो रास्ते से हम जाने वाले हैं।
मतलब मेन डोर तक हम बाइक पे नहीं जाएंगे, ये थोड़ा आगे आगे जो रास्ता है वहाँ से थोड़ा सा छोटा सा ट्रक करके जाएंगे। तो उससे पहले हमें पेट पूजा करनी है। तो आगे जो अभी हमें जो पुकारा था बटाटा वड़ा कांदा भजी करके, तो हम वहाँ जाने वाले हैं। और इंडिपेंडेंस डे है, हर घर तिरंगा है, तो उन्होंने भी लगाया था तिरंगा अपने दुकान के सामने। तो वहाँ जाके हम अभी बटाटा वड़ा, वड़ा पाव एंड कांदा भजी ट्राई करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मल्हारगढ़ का ट्रेकिंग होगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछना, आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बाय बाय।